मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक संघ द्वारा अपनी ज्वाइनिंग को लेकर टावर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के माध्यम से संयुक्त पत्रिका के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा एचएसटी के 19,220 पर और माध्यमिक शिक्षा एमएसटी के 11,374 पद की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा और परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं होने के चलते शिक्षकों द्वारा आज उज्जैन के टावर चौक पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन दिया गया और जल्द से जल्द भर्ती 2018 को पूर्ण करने की मांग की। शिक्षकों ने बताया कि विभागों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन फाइल अटकी हुई है, जिससे हमारी नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थी अपने परिवार सहित कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं और अपने आर्थिक संकटों से जूझ रहे चयनित अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षक हैं और अपने ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर धरना देके बैठे हैं। हम 2018 से अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। हमने एग्जाम क्लियर करी है और हम मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, उसके बाद भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसलिए हमें यहाँ पर आज धरना देके बैठना पड़ा और हम बहुत परेशान हैं सर, मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, इसलिए हमारे पास कोई साधन नहीं बचा था धरना देके बैठने के लिए। धरना प्रदर्शन के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में सारे चयनित शिक्षक संघ के सदस्य हर जिले में आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। चूंकि 2018 से निकली हुई शिक्षक भर्ती अभी 3 साल होने तक पूर्ण नहीं हुई है, हम इतने परेशान हो चुके हैं, न जॉब की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल 30,000 शिक्षक अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी है जो पूरे मध्य प्रदेश में, और 30,000 ही परेशान हो रहे हैं। कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपने घर की व्यवस्थाएं कैसे संभाल रहा है, सीएम से कितने रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कितने निवेदन कर चुके हैं, कितने ज्ञापन कर चुके हैं, अब हमारे पास में आखिरी रास्ता ऐसा दिख रहा है कि हम उनके लिए धरना प्रदर्शन करें। आज हमने यहाँ मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक संघ, चयनित शिक्षक विद्यार्थी, वो सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी शिक्षा भर्ती को पूर्ण करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कितने शिक्षक यहाँ पर? अभी यहाँ पे करीबन 80-90 विद्यार्थी, पर अभी फिलहाल में 50 लोग तो है यहाँ पे।